कलश की स्थापना करें, साथ में ही कलश स्थापना के नियम भी आप जान लें। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करने का विधान है, क्योंकि घट स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो किस प्रकार से आपको नवरात्रि में घट स्थापना करनी है? नवरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कलश स्थापना या घट स्थापना का विधान है। ऐसे में शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना करने से साधक को माँ दुर्गा का आशीष प्राप्त होता है और साधक की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और उससे जुड़े हुए नियम। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार के दिन से हो रही है। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से 10:12 तक रहेगा। वहीं घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:30 तक रहने वाला है। घट स्थापना के नियम। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ स्थापित किया गया कलश साधक के परिवार में सुख, संपन्नता और आरोग्य लेकर आता है। घट स्थापना के लिए आप मिट्टी, सोना, चांदी या तांबे के कलश का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके स्थान पर लोहे या स्टील के कलश का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। कलश स्थापना करने से पहले उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद वहां पर हल्दी से अष्ट दल बनाएं, चौक पूरे। इसके बाद कलश में शुद्ध जल लेकर उसमें हल्दी, अक्षत, लौंग, सिक्का, इलायची, पान और फूल डालें। फिर कलश के ऊपर रौली से स्वास्तिक बनाएं। अब कलश को स्थापित करते हुए माँ भगवती का आह्वान करें। कौन सी दिशा होनी चाहिए कलश स्थापना की? कलश स्थापना की के दौरान दिशा का बहुत अधिक ध्यान रखना जरूरी होता है। आप कलश स्थापना के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा का चयन कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से भी इन दिशाओं को बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो माँ दुर्गा को आप 9 कोड़ियां अवश्य ही उनके चरणों में अर्पित करें। 9 कोड़ियां आप किस प्रकार से अर्पित करेंगे? जो आप माता के लिए चुनरी लेकर आएंगे, उसी चुनरी के एक कोने में आपको क्या करना है, यह 9 कोड़ियां रख देनी है। इसी के साथ में 5 लौंग 5 इलायची आपको रख कर उसको क्या करना है, गठान बांध देना है। एक कोने में आपको यह सामग्री रखकर गठान बांध दे। अब इस चुनरी को आपको माता रानी को उड़ा देना है और माता रानी के समक्ष पूरे 9 दिनों तक, यदि हो सके आपकी सक्षमता हो तो आप 9 दिनों तक शाम के समय पर 9 दीपक माता के समक्ष में अवश्य ही जलाएं। अखंड जो ज्योत है वो तो आप जलाएंगे ही, इसके अलावा 9 दिए आपको जलाने हैं। 9 दीपक जब आप जलाएंगे, चाहे वह 5 से 10 मिनट ही क्यों ना जले, 9 दीपक आपको जलाने हैं और माता के समक्ष लाल आसन पर बैठकर आपको अपनी कामना को दोहराना है। माता के किसी भी पाठ को आप कर सकते हैं, आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। कहते हैं 9 दिनों तक माँ दुर्गा हमारे साथ धरती पर रहती है और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। ऐसे में यदि आपकी कोई विशेष कामना है, चाहे वह व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या फिर आपकी बालक या बालिका के विवाह में देरी हो रही हो, माता के समक्ष 9 दिनों में इस एक उपाय को आप अवश्य ही करके देखें। और भी हम अनेक उपाय आपके लिए लेकर आएंगे आपकी समस्याओं के अनुसार। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।